श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। भारतीय टीम इस टूर पर दूसरी टीमों के साथ प्रैक्टिस मुकाबले नहीं खेल पाएगी। दरअसल भारत ने श्रीलंका ए या दूसरी लोकल टीमों के साथ प्रैक्टिस मैच खेलने की इच्छा जताई थी, लेकिन इससे इनकार कर दिया गया। कोरोना वायरस की वजह से फैसला लिया गया। भारत को खुद ही टीम बनाकर इंटर स्क्वाड मुकाबले खेलने होंगे। इसी तरह विराट कोहली की अगुवाई वाली टेस्ट टीम भी इंग्लैंड में प्रैक्टिस कर रही। भारतीय टीम प्रैक्टिस मैचों के दौरान एक T20 और दो वनडे मुकाबला खेलेगी। भारतीय टीम प्रैक्टिस मैच खेलना चाहती थी। वो चाहते थे कि श्रीलंका ए या फिर जो भी टीम उपलब्ध हो उसके साथ अभ्यास मैचों का आयोजन हो, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ऐसा संभव नहीं है। हमने BCCI से इंटर स्क्वाड मैच खेलने का अनुरोध किया है, इसलिए अब भारतीय टीम एक T20 और दो वनडे मैच प्रैक्टिस के तौर पर खेलेगी। आपको बता दें कि श्रीलंका दौरे के लिए शिखर धवन को कप्तान बनाया गया है। इस टीम में कई नए चेहरे को शामिल किया गया। नए चेहरों की बात की जाए तो कृष्णप्पा, गौतम चेतन, सकारिया, देवदत्त पंडिकल, ऋतुराज गायकवाड़ और नीतीश राणा जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। पूरी भारतीय टीम कुछ इस प्रकार: शिखर धवन कप्तान, पृथ्वी शॉ, देवदत्त पंडिकल, ऋतुराज गायकवाड़, सूर्य कुमार यादव, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या, नीतीश राणा, ईशान किशन, संजू सैमसन, युजवेंद्र चहल, राहुल चहर, कृष्णप्पा, गौतम कुणाल पांड्या, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, भुवनेश्वर कुमार, नवदीप सैनी, दीपक चहर और चेतन साकरिया शामिल हैं।